आओ बच्चों, बताओ। इतने विरोधी बैठे हैं लंदन में हमारे, लेकिन मजाल है बच के चले जाएं। नजदीक आओ। आप नो आप आओ बच्चे को लेकर के। माइक लो। अच्छा, हिंदी नहीं आती है? कोई नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा ना बोलो। कहाँ से हो? बैम्बली। थोड़ा नजदीक आ जाओ बिटिया, ताकि पर्चा पढ़ सकूं। बोलो क्या बात है? कोई नहीं, आप तो और कोई बात? हम ठीक है, हमें पता है। आप माइक नजदीक करो। आप समझ पा रहे हैं हिंदी? आप समझ पा रहे हैं? जहां गलत बोले तुरंत टोकिएगा, हम पर्चा पढ़ देते हैं। बच्चियों का स्वास्थ्य ठीक रहे, इस बच्ची को ब्रेन की दिक्कत व फिट की दिक्कत बनती है। हाँ या ना? यस। ये माइक चालू नहीं है क्या? हाँ, अब चलो बोलो। कोई नहीं, छोटी बच्ची को ब्रेन की दिक्कत फिट की दिक्कत बनती है। सही है। सभी जो है बीमार हैं, खाना अंग में नहीं लगता, अपच होता है, पेट की दिक्कत बनती है, व रात्रि काल में कोई घूम रहा हो ऐसा आभास होता है। सही। बराबर। जहाँ निवास कर रहे हैं उस स्थान पर आत्मा का वास है। आत्मा मीन्स, आप गुजराती में बोलो, ये गुजराती है महाराज जी, समझ गए? आत्मा का वास है, जिस कारण से यह परिणाम है। और बच्ची का पूरा अंग एकदम झटक जाता है और पूरे शरीर में एकदम जो है करंट जैसा फैलने लगता है। आंखें फेरना, आंखें निकाल देना, मुंह बंद हो जाना, मुंह से फंसू कर आ जाना, ऐसी हालत बच्ची की बन जाती है। ये ब्रेन की दिक्कत है, और जो रात को घूमता है वो आत्मा की दिक्कत है। बच्ची पर कोई आत्मा का प्रभाव नहीं है, ना कोई शक्ति का प्रभाव है, ना कोई तंत्र विद्या है। केवल घर पर तंत्र विद्या है जो घूमती है, सबके दिमाग पर बैठती है, वह अपच बनाती है, खाना नहीं पचता है, डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, ये दिक्कत बनाता है। उस आत्मा को हम बंद करवा देंगे। बच्ची को ठीक होने में ब्रेन की दिक्कत, जो फिट की मिर्गी का दौड़ा है, दौड़ा आने में थोड़ा टाइम, ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। क्या बात एकदम सही? सही। कोई संदेह? दादा, मेरी सास है नहीं, सास ससुराल बहुत बीमार है। अच्छा। और मेरा पापा पन वो बीमार है। आप तो हिंदी बोल लेते हो। घर में बहुत परेशान है। उन पर भी कृपा हो, बालाजी कृपा करें, आशीर्वाद है। उन तक भभूति भेज देना, तुम्हारे भी काम धाम पर कृपा हो। दर्शन वहां से करवा दीजिएगा। हमने एक मंत्र लिखा, मुट्ठी बांधो बेटा दोनों। बच्ची की जो घर की शक्ति है, इनमें से किसी पे भी घर की शक्ति को खींचो। सब लोग मुट्ठी बांधो दोनों हाथों की, सामने बैठ जाओ। उसको हम आज ही बंधन करवा देते हैं, बुला लेते हैं। ये पर्चा भी आप अपने पास रखिएगा, मुट्ठी बांधे रहना है, सामने ही बैठना है। अब जाओ। राम, बस दूर से प्रणाम करना है, बच्चियों को नहीं करना है।